आपका स्वागत है दोस्तों। टाटा ने हाल ही में एक बड़ा इवेंट आयोजित किया जिसमें इसने फेसलिफ्टर नेक्सॉन टियागो एंड टाइगर के साथ ऑल्ट्रोस प्रीमियम का नया हैचबैक लॉन्च किया। इसी इवेंट में टाटा मोटर्स ने BS6 कंप्लाइंट हैरियर SUV का भी एक मार्केटिंग टीजर वीडियो दिखाया। BS6 कंप्लाइंट इंजन के अलावा अपडेटेड हैरियर में और भी अनेकों चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक नया फैक्ट्री फिट पैनोरामिक सनरूफ और 18 इंच डुअल टोन एलॉय व्हील्स इसमें प्रमुख चेंजेस होंगे, जो हमने 2019 जेनेवा मोटर शो में दिखाई जाने वाली बजाज सपोर्ट में भी देखे थे। ये चेंजेस SUV के नए टॉप स्पेक वेरिएंट में अवेलेबल होंगे। वीडियो में हैरियर का नया लाल रंग का ऑप्शन भी टीज किया गया, जो अपडेटेड SUV में ऑफर हो सकता है। सूत्रों के अनुसार इसमें और भी ज़्यादा श्रृंगारे हुए इंटीरियर्स ऐड किए गए हैं। इंजन की बात करें तो वर्तमान मॉडल के 2.0 लीटर क्रायोटेक डीजल इंजन को BS6 एमिशन नॉर्म्स मैच करने के लिए अपग्रेड किया जाएगा और ये ज़्यादा ताकतवर भी होगा, जो तकरीबन 170 HP की पावर पैदा कर सकेगा। पहले से मौजूद 6-speed मैनुअल गियरबॉक्स के साथ हैरियर में हुंडई से लिया गया 6-speed टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स भी होगा। टाटा मोटर्स BS6 कंप्लाइंट हैरियर को अगले महीने लॉन्च कर सकती है। BS6 कंप्लाइंट हैरियर MG हेक्टर, किया सेल्टोस और नेक्स्ट जन हुंडई क्रेटा, जो मार्च के मिडल में लॉन्च होगी, के साथ मुकाबला करेगी। टाटा आने वाले ऑटो एक्सपो 2020 में अपनी उपस्थिति को 4 मॉडल लॉन्च करके दिखाएगा, जिसमें ऊपर बताई गई BS6 हैरियर ऑटोमेटिक, दी ग्रेविटा 7-seat SUV, दी प्रोडक्शन स्पेक वर्जन ऑफ दी H2X माइक्रो SUV और दी ऑल्ट्रोज EV शामिल हैं। धन्यवाद।